And we know this is the radius. So OA equals to OB. So O is midpoint. Therefore O is midpoint of midpoint of AB. और midpoint है तो midpoint formula लगा देते हैं और एक की coordinate अपन मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं। और ये हो गए x2 y2 और ये हो गए हमारे पास x y तो ओ मिड पॉइंट है तो विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट फॉर्मला एंड मिड पॉइंट वी नो ओ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वन प्लस वाय बाय टू एंड टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एक्स टू सॉरी एंड वाय वन प्लस वाय टू बाय टू ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया अब इसमें क्या रख देते हैं वैल्यू रख देते हैं ओ एक्स वाई यानी कितना है टू माइनस थ्री किसके इक्वल होगा एक्स वन कितना एक्स वन निकालना है वाई वन एक्स टू कितना है वन एक्स वन प्लस वन बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू वाई वन कितना है वाई वन ही है और वाई टू कितना है हमारे पास फोर बाय टू अब हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स so, कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर होता है और वाई से वाई होता है तो क्या रिजल्ट आएगा टू इक्वल इससे क्या रिजल्ट आया एक्स वन का एक्स वन आया फोर में से वन गए थ्री एक्स वन आ गया अब वाई से वाई कंपेयर कर लेते हैं तो माइनस थ्री इक्वल टू प्लस बाय माइनस सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू वाई वन प्लस फोर तो इससे रिजल्ट आएगा वाई वन का वाई वन हो गया माइनस सिक्स और फोर इधर आया तो माइनस फोर तो माइनस टेन हो गया देर फोर कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास निकल के देर फोर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास थ्री और माइनस टेन आर दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ So I hope you understood the question. Thank you so much for watching the video.